नमस्कार, खबर हिमाचल की मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। पिछले तीन दिनों से भारी बारिश से जारी भयंकर तबाही को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। नादौन में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में पहली दफा इस तरह की बारिश और तबाही रिकॉर्ड की गई। ऐसे में केंद्र सरकार से इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई गई है ताकि सहायता में कोई कमी न रहे। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत की गई है। सीएम ने कहा कि 48 घंटे में बारिश की वजह से प्रदेश को 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों से वर्चुअल माध्यम से बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया गया है। अधिकारियों से मिली रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि बारिश से इतना कहर पिछले 50 वर्षों में नहीं बरपा था। 50 वर्ष में बारिश ने इतना कहर ढाया है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक समान बारिश हो रही है। बरसात में पहले ऐसा होता था कि कभी शिमला बारिश होती थी, शिमला कुल्लू वाले बेल्ट में बारिश हो जाती थी, कभी कांगड़ा वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी, कभी ऊना वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी। पिछले 72 घंटे से लगातार एक समान बारिश सभी जिलों में हो रही है और जितना नुकसान इस बारिश के द्वारा हिमाचल प्रदेश को हुआ है उसकी भरपाई आने वाले समय में करना बहुत मुश्किल है। मेरी पिछले कल भी माननीय अमित शाह जी से बात हुई थी, माननीय राज्यपाल श्री गवर्नर साहब श्री शिवप्रताप शुक्ला जी से बात हुई, अभी सुबह भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का फ़ोन आया। पिछले कल मेरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात हुई, उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा और राहुल गांधी जी ने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग राजीव शुक्ला जी ने हिमाचल की जो हमारे इंचार्ज हैं उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग हिमाचल की इस प्रकार की स्थिति से बड़े चिंतित हैं। हमारा सबसे पहले दायित्व ये था कि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जाए। रात को 2 बजे नगवाई में 6 लोग फंसे थे, हमारे CPS सुंदर ठाकुर जी ने वहाँ पूरी रात लगाकर किसी ना किसी तरह जो 18 घंटे से नगवाई में जो 6 लोग फंसे थे उनको। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते हुए नुकसान की स्थिति का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को शामिल किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में प्रभावितों की मदद उपलब्ध करवाने और भारी बारिश के चलते हुए नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं। आगे सीएम ने बताया कि संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावितों की हर संभव सहायता करने के प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार लगातार प्रदेश के हालात पर नजर बनाए हुए है और वो स्वयं भी फोन के माध्यम से सभी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फंसे हुए पर्यटकों और प्रभावित स्थानीय निवासियों की मदद की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क भी किया जा सकता है। आगे सीएम ने कहा कि प्रदेश के हालात पर उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से बात हो चुकी है और वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस बारे में बात करेंगे। सभी प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर हैं 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर, यानी कि 1100, 1070, 1077। और इन नंबरों पर आप कॉल करके जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं,
मेरा टेलीफोन 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा। इस आपदा की घड़ी में मैं सभी विधायकों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें, लोगों पर जो विपदा आई है उसमें उनका सहयोग करें, और जो नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई के लिए भी आप लोगों के साथ सहयोग करें। जो लोग अभी फंसे हुए हैं हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। 14 के करीब इस आपदा में लोगों की जान गई है। मेरा सभी से एक बार फिर प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश में इस विपदा की घड़ी में सभी प्रदेशवासी एकजुट होकर सरकार का सहयोग करें और अगले 24 घंटों में घरों में ही बने रहें, क्योंकि अधिक तेज आंधी और बारिश की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज मंडी शहर में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मंडी के बीचों बीच पंचवक्त मंदिर और इंदिरा मार्केट को जोड़ने वाले पुल के नुकसान का भी जायजा लिया। उनके साथ स्थानीय विधायक सहित बल सुंदरनगर विधायक भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर में हुए नुकसान को प्रशासन और सरकार देख रही है और आकलन कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार और प्रशासन मिलकर इस आपदा से निपट रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते कल गृह मंत्री से बात कर उन्हें हिमाचल की स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। लोग बहुत दहशत में हैं, चिंता में हैं, क्योंकि ऐसा मंजर कभी उन्हें अपने जीवन में ना सुना था ना देखा, और स्वाभाविक रूप में लोग जो हैं वो बहुत बड़े इस सारे नज़ारे को देख करके दहशत के माहौल में हैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं कि क्या होगा। और जो मकान यहाँ पर खासतौर से इस गैस नदी के किनारे हैं तो उसमें दरारें आनी शुरू हो गई है, जिसके कारण वहाँ अब आने वाले समय में रहने लायक रहेंगे वो मकान की नहीं रहेंगे, ये भी एक विषय हम लोगों के लिए चिंता का बना है। तो अगर नहीं रहेगा तो सूरत में जाएंगे कहाँ? ऐसे सारे प्रश्न हैं जो लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं, सब लोग चिंतित हैं, और हम इतने ही कहेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार से कि इस सारे विषय को लेकर के, क्योंकि ये हालात कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक तो जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको राहत देने की दृष्टि से उनको अच्छी व्यवस्था हो, सारी चीज़ को लेकर के वो पूरा सरकार की ओर से सहयोग करें, और दूसरे लीव के साथ साथ कि आने वाले समय में इस प्रकार के संकट में जहाँ ऐसी स्थिति ना बने तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स, क्या चीज़ें हम तय कर सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर के भी साथ साथ ही सोच रहे हैं कि आप सुनकर। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिन से भारी बारिश कहर बरपा रही है और खासकर मंडी, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, चंबा में भारी नुकसान हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को इस आपदा की घड़ी में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात की गई है और बारिश के हालात पर चर्चा की और उन्हें हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया। इस संकट में बीजेपी हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ है। इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से बात कर उन्हें वर्तमान हालात से अवगत करवाया है। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में जुटने के निर्देश दिए। नमस्कार। पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिली है 13 लोगों की जान चले गई है, जो एक बहुत दुखद समाचार है। मैं सभी परिवारजनों को जिनने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। इसके अतिरिक्त अनेकों जगह से बहुत बड़े नुकसान की, बहुत सारे पुल, बहुत सारे भवन, निजी मकान की क्षति जो हुई है वो मैं समझता हूँ कि आज से पहले कभी नहीं हुई है। पिछले कल मेरी मुख्यमंत्री जी से मेरी विस्तार से बातचीत हुई है। हमने कहा आओ इस वक्त इस दुख की घड़ी में हम सब लोग मिल करके हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन को बचाने के लिए जो संकट में है,
जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए आगे आए और हर तरह का सहयोग का आश्वासन मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार को अपनी पार्टी की ओर से दिया है। इसके अतिरिक्त मेरी बात पिछले कल केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी विस्तार से हुई है। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि NDRF की टीम हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है, अगर और जरूरत है तो वो भी भेजने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में एयरफोर्स के हम हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी में हैं, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है, इस कारण से उसमें थोड़ी कठिनाई आ रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि आज अगर मौसम ठीक होगा तो आज वो हेलीकॉप्टर जरूर भेजेंगे। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि भारी बारिश के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के 1007 रूटों पर चलने वाली बसों के रूटों को सस्पेंड किया गया है, जबकि राज्य से बाहर चलने वाली परिवहन निगम की 452 बसें विभिन्न स्थानों पर रुकी हुई हैं। उन्होंने परिवहन निगम के स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी जोखिम हो वहां पर बसों को न चलाएं। बस चालक पूरी तरह से एहतियात बरतें ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। आगे उन्होंने बताया कि भारी बारिश के चलते जल शक्ति विभाग की 4,833 स्कीमें प्रभावित हो चुकी हैं, जिससे 350 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके साथ ही पेयजल स्कीमें नदी नालों और गड्ढों के किनारे होने के चलते प्रभावित हुई हैं। हमारी HRTC हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश में लोगों को अपने गंतव्य स्थलों पर ले जाने के लिए एक मेजर स्रोत है, और लेकिन मौजूदा बाढ़ और बारिश से जो हालात बने हुए हैं उसे हमारे आज 1007 रूट जो है हमने सस्पेंड किए हैं, 1007 रूट सस्पेंडेड हैं और 452 बसें हमारी जगह जगह रुकी पड़ी हुई हैं। तो एक बस हमारी देहरादून के पास जो है, आपने देखा होगा कि जिसमें बहुत सवारियाँ थी और वो फ्लड में फंस गई थी और वो ड्राइवर की लापरवाही का भी मामला था, ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। और लेकिन बाकी जो है हमने सारे HRTC के स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि जहाँ जोखिम हो वहाँ पर बस पर डालें और एहतियात पूरी बरती जाए। और दूसरा, जहाँ तक हमारी सिंचाई के जल शक्ति विभाग का सवाल है, तो हमारी लगभग 5,000 के आसपास स्कीमें, 4,833 स्कीमें हैं जो अब तक प्रभावित हो चुकी हैं, और इन स्कीमों पे जो है 350 करोड़ रुपए का हमें अकेले विभाग को नुकसान हो गया, और बहुत ज़्यादा नुकसान हमें पानी की स्कीमों। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान ही हिमाचल प्रदेश में बरसात ने 20 से ज्यादा जिंदगियों को लील दिया है, जबकि 800 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, तो वहीं आधा दर्जन के करीब NH भी अब बंद हो गए हैं, जिसको लेकर शिमला सचिवालय में आपदा प्रबंधन की हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि बारिश से प्रदेश को करोड़ों का नुकसान हो चुका है, जिसका जायजा लिया जा रहा है। कुल्लू मनाली में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि लाहौल स्पीति से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अभी कुछ मिनट पहले, कोई करीब 2 घंटे से ज्यादा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है रिव्यू बैठक लिया है, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर से और स्टेट में हमारे जितने भी HODs और सेक्रेटरीज हैं उनके साथ ये रिव्यू बैठक रहा, जिसमें हमारे माननीय मंत्री रोहित ठाकुर जी और हमारे माननीय CPS संजय अवस्थी जी भी, इन्होंने भी पूरा भाग लिया है। और इसमें
एक एक डिस्ट्रिक्ट का, एक एक हमारा सब डिवीजन है उसके, जहां भी कोई नुकसान हुआ है उसका पूरा जायजा लिया है, और उन सभी इलाकों में चाहे हमारे रोड्स हैं, चाहे बिजली है, चाहे पेयजल योजना है, चाहे अन्य जो भी हमारे जरूरत के जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जो है सबको निर्देश दिया गया है कि रेस्टोरेशन का काम जो है युद्ध स्तर पर किया जाए। अभी अगर जून के महीने से बरसात जैसे मानसून को लें, अभी तक जो है 56 के करीब जो है मौतें हुई है, और इसमें ज़्यादातर तो रोड एक्सीडेंट्स भी है। परंतु पिछले जो दो दिनों के बरसात में इसमें जो लॉस है ह्यूमन लाइफ का वो 20 से ऊपर है। आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है उसको भी बढ़िया मौसम चाहिए। अभी लगातार बारिशें जारी है, और जिस जगह पे कुंजम में जहाँ पर ये पर्यटक है वहाँ पर पूरा टेंटेड जो है कॉलोनी जो है प्राइवेट लोगों के लगे हैं, और ये जो पर्यटक हैं ये जो है पैकेज पे वहाँ जाते हैं। तो अभी भी वहाँ आज भी बर्फबारी हो रही है, परंतु वहाँ पर ये ज़्यादा सभी सेफ है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। हिमाचल प्रदेश में रफ्तार पकड़ते सेब सीजन पर मॉनसून की भारी बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। सेब सीजन के बीच लगातार हो रही बारिश की वजह से ऊपरी शिमला का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कई सड़कें बंद हो चुकी हैं, इसके अलावा कोकुनाला पुल के साथ लगती सड़क भी अब टूट गई है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि मौसम सामान्य होने के बाद सरकार युद्ध स्तर पर रिस्टोरेशन का कार्य शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार हर स्तर पर लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि पुल के साथ लगती सड़क टूटने की वजह से पुराने मार्ग के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अप्रत्याशित वर्षा से ऊपरी शिमला में भी मैं समझता हूँ, चाहे सड़कों की बात हो, जो अन्य हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उससे भी प्रभावित हुई है। और जैसे आपने NH 705 यानी जो हमारा ठियोग से लेके रूडू तक जो हमारी ऊपरी शिमला की जीवन रेखा है वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, और विशेष रूप से जो हमारा कोकुनाड़ा के साथ जो पुल लगा है, जो भी साल डेढ़ साल पहले लगा था, उसकी एक विंग वॉल डैमेज हुई है, और उसका तो चलो रुपये रिस्टोरेशन का काम जैसे मौसम खुलेगा उसके बाद प्रारंभ करेंगे। लेकिन साथ में ही हमारा प्रयास है कि जो साथ में जो पुरानी हमारा जो ब्रिज बना हुआ है, जो पुरानी हमारी TKH रोड का पार्ट था, उसको फिर से उसको चालू किया जाएगा, ताकि जो ऊपरी शिमला की हमारी जो जीवन रेखा है इसमें यातायात बाधित ना हो। तो अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जो आज उन्होंने रिव्यू मीटिंग भी ली, कि हमारी सरकार की प्राथमिकता की संचारू रूप से सेफ सीजन चले। अब ये देव प्रकोप है, प्राकृतिक आपदा है, और जैसे ही मैं समझता हूँ मौसम हमारा थोड़ा बेहतर होगा, उसके बाद रिपेयर रिस्टोरेशन का आपका वॉर फुटिंग पे सभी सड़कों का कार्य चलेगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह का मैं समझता हूँ स्टैंडिंग ऑर्डर्स माननीय मुख्यमंत्री ने PWD डिपार्टमेंट को भी, और जो अन्य हमारे विभाग है, चाहे वो बिजली की बात हो, विद्युत क्षेत्र की बात हो, जल शक्ति विभाग की बात हो, हमारे ज़िले से संबंधित ही नहीं पूरे प्रदेश से संबंधित, उन्होंने अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे दिए हैं और हम इसमें कार्य करने में लग चुके हैं। वैकल्पिक व्यवस्था पहले से ही वहाँ पर जो पुराना हमारा TKH रोड का जो ब्रिज है उसको पुनः प्रारंभ किया जाएगा, वो भी लगभग ठीक कंडीशन में। और जो ये आपका नया ब्रिज अभी जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी भी एक विंग वॉल डैमेज हुई है, और इसकी रिपेयर रिस्टोरेशन का कार्य भी जैसे ही मौसम खुलेगा वो प्रारंभ करेंगे, और तब तक हमारा प्रयास रहेगा कि जो पुराना आपका जो ब्रिज है उसे यातायात ऊपरी शिमला का चले। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। 54 लोगों की मौत हो चुकी है और 92 लोग जख्मी हुए हैं। प्रदेश में आई इस आपदा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सभी डॉक्टरों को खासकर ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही हुई है और जगह जगह नदी नाले उफान पर हैं और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ गई हैं, जिससे कई कीमती जानें चली गईं।
और काफी लोग जख्मी भी हो गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सभी जिला के सीएमओ को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने कुछ एक निर्देशावली निकाली है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। वैसे तो जितने भी हमारे PHC चाहे हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या हमारे सिविल हॉस्पिटल या दूसरे मेन हॉस्पिटल, सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि अटेंडेंस ऑफ ऑल मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड सपोर्टिंग स्टाफ एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, लीव ऑफ द स्टाफ फॉर द टाइम बीइंग ऑफ ऑल द हेल्थ इंस्टीट्यूशंस मे बी कैंसल्ड टेम्पररीली विद इमीडिएट इफेक्ट। द स्टाफ मे बी एडवाइज नॉट टू अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ लीव फॉर द टाइम बीइंग एज लॉन्ग एज दिस कंटिन्यूज। All emergency first response team to be kept in readiness with adequate supply of drug consumables, evacuation and first aid kit. Ambulances under control to be kept in readiness. Be in touch with 108 personal or if need be private ambulances. मतलब कहने का ये कि हमारी ambulance सेवा बिल्कुल एक प्रकार से एकदम तैयार condition में रहे। और इंडस्ट्रियल जितने भी हमारे वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, इनके ड्रग्स और कंज्यूमेबल वो हमेशा बिल्कुल टू बी केप्ट रेडी। ऑल CMO टू गिव एस्टिमेटेड डैमेज इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। ये हम लोगों ने उनको 10 बजे कहा है कि सवेरे भी देंगे, शाम को भी रिपोर्ट आएगी। पावटा साहिब के मेहरूवाला में यमुना के टापू पर फंसे दो परिवारों के 32 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया, तो वहीं धोला कुआ के पास सैलाब में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मेहरूवाला में स्थानीय गोताखोरों ने रेस्क्यू के दौरान टप्पू से 40 मवेशियों को भी सुरक्षित निकाला है। बता दें कि ये टापू वरूवाला के पास यमुना नदी पर बना है। इस पर गुज्जर समुदाय के लोग निवास करते हैं, मगर यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से वहां मौजूद लोगों के साथ मवेशी फंस गए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। रात 2 बजे से रेस्क्यू शुरू कर कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद 32 लोगों के साथ 40 मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आज सुबह तकरीबन 2 बजे दूरभाष से हमारी कॉन्टा की टीम, हमारे नायब तहसीलदार साहब को, हमारे तहसीलदार साहब को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई 25 से 30 लोग, ऐसी खबर आई थी कि फंसे हैं अपना जो हमारा भंगाड़ी साहब है उसी तरफ पीछे, जो हमारी जूता फैक्ट्री उसके पीछे एक खाड़ा है, वहाँ पे कुछ कुछ गुज्जर समुदाय के हमारे लोग हैं वो फंसे हुए हैं। तो हमारी टीम और पुलिस के लोग वहाँ पे पहुँच गए थे रात को, क्योंकि अंधेरा था, वो रेस्क्यू ऑपरेशन उस टाइम नहीं कर पा रहे थे। फिर सुबह कोई 5 बजे सारे लोग इंक्लूडिंग मी वहाँ हम पहुँच गए और वहाँ पे जाके हमारी गोताखोरों की टीम भी आई और उन लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया। पहले उनके मवेशियों को निकाला गया और फिर उनको निकाला गया और जितने भी वहाँ पे महिलाएँ थी, बच्चे थे और जितने भी बुज़ुर्ग थे, कुछ तकरीबन 30 के थे, उनको वहाँ से निकाला गया। उनको कुछ फौरी राहत दी गई और उनको हिदायत भी दी गई, क्योंकि 3-4 दिन पहले भी उनको ये हिदायत दी गई थी कि नदी नालों से दूर रहें, बारिश में जलस्तर बढ़ रहा है, तो इस कारण उनको हिदायत दी गई थी, पर वो किसी कारण उसको नहीं मान पाए। बट उनको ये एक मैं बोलूँगा खैर रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ किसी की जान माल का और वो सुरक्षित रेस्क्यू। बद्दी के साथ लगे गांव शीतलपुर में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इसी कड़ी में आशा देवी का मकान नाले के नजदीक होने से उनके घर में पानी भर गया, जिससे उनका काफी नुकसान हो गया है। आशा देवी ने बताया कि वो प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुकी हैं कि उनके घर के पास नाले को डंगा लगा दिया जाए, जिससे नाले का पानी उनके घर में ना जा सके, लेकिन प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बरसात का पानी उनके घर में चला गया। घर के सभी लोग डरे हुए हैं, वो पिछले 3 दिनों से किसी और के घर में रहने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि घर के पास एक बिजली का खंभा है जो उनके घर पर कभी भी गिर सकता है। रात भर हम लोग सो रहे हैं, 3 दिन हो गए पानी भर रहा है।
किसी प्रशासन सरकार की तरफ से कोई मदद आएगी? कल नहीं, कोई नहीं आई, कल हमने सबको फोन भी किए, बिजली वाले किसी ने हमारा फोन ही नहीं उठाया, फोन काट रहे थे। अच्छा जी, तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? डंडा लगना चाहिए जी। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सभी नाले नदियां उफान पर आ गई हैं, जिस वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि शासन प्रशासन लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने से मना कर रहा है। इसी कड़ी में भारी बारिश से गिरी नदी भी उफान पर आ गई है, तो वहीं पावलर खड़ का जलस्तर भी बढ़ गया है। मौके के जायजा हमारे संवाददाता ने लिया, आपको दिखाते हैं। नमस्कार जी, इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर उपमंडल संगड़ा के ग्राम सियू, जहाँ से गिरी नदी बहती है और इस टाइम 3 दिन से लगातार बारिश का कहर जारी है और हम सीधी तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको गिरी नदी की। और हम ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त गिरी नदी उफान पर है और पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, क्योंकि जो गिरी नदी के जो कि गिरी नदी के आसपास बसे घर हैं उनको वार्ड मेंबर तथा ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा बिल्कुल आदेश जारी कर दिया कि भयंकर नदी के आसपास ना जाएं और खड्ड नाले इत्यादि वगैरह भी उफान पर है। जो मुख्य सड़कें हैं वो बिल्कुल बाधित हो गई है। विद्युत विभाग की जो आपूर्तियाँ हैं वो भी कहीं कहीं बाधित हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 3 दिन से लगातार बारिश का कहर जारी है और ये नदी गिरी नदी जो शिमला होकर खड़ा पत्थर होके राजगढ़ खैरी होके इस गांव सीऊ से बहती हुई दधाऊ के पास होती हुई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही तेज पानी का बहाव है, इसीलिए यहाँ पर जिला सिरमौर ने अलर्ट जारी कर रखा है। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी हमारे प्रतिनिधि है इन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है, इसी के लिए सभी को सचेत किया जाता है कि खड्ड नाले और नदी के समीप न जाए। मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट कपिल चौहान के साथ में जिला संवाददाता विजय कुमार आजाद की रिपोर्ट। खबरें हिमाचल की में मेरे साथ इतना ही। देश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।